इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल ना। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू। आई एम सुषमा वर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर क्लिक तो रेड सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटा दबा। टुडे आई हैव दिस पॉट यू नो एज यू नो स्टूडेंट अभी इस समय नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो हम सभी के पास इस तरीके के नवरात्रि के कलश यानी के पॉट अवेलेबल होंगे है ना। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आफ्टर नवरात्रि तो आपने इसको अच्छे से कलर करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इस पॉट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत ही सुंदर फ्लावर पॉट बना सकते हैं। सो स्टूडेंट आर यू रेडी, लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने ये पोस्टर कलर लिया है। सबसे पहले हम इस पॉट को कलर करेंगे ठीक है। आई एम टेकिंग ब्लू कलर, यू कैन टेक योर ओन कलर्स वट एवर यू लाइक। आई एम टेकिंग दिस ब्लू डार्क ब्लू कलर, दिस इज पोस्टर कलर। अगर आपके पास घर में कोई भी पेंट वेस्ट पेंट बचा हो तो आप पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे पास ये पोस्टर कलर था तो मैं ये पोस्टर कलर यूज कर रही हूँ। ओके आपको इसको पूरा पेंट कर लेना है। ओके लुक एट दिस गाइस, ये मैंने मेरा पॉट रेडी कर लिया है, कलर कर लिया है, नाउ इट्स कंप्लीट। अब इसके ऊपर हमको इसको डेकोरेशन करना है। डेकोरेशन करने के लिए इस पॉट का वी नीड दिस डो ठीक है। ये क्ले मॉडलिंग डो मार्केट में आता है बट अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिल्ड्रंस अगर घर पे मैदा नहीं भी है तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं बट उसमें आपको थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना होगा, उसको ऐड करके उसका डो बना लेना है मम्मा को बोल के ठीक है। अब जब आपने डो बना लेना है तो उसमें कलर भी ऐड करना है, कलर मैदे में कलर सॉल्ट मिक्स करके उसको आपको डो बना लेना ऐसा ठीक है। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके हमको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, मिनिमम 6 to 7 पार्ट्स में इसको आपको लेना है ठीक है। फिर इसके आपको रोल करना है ऐसे ठीक, और उसको आपको अपने पाम पे रख के थंब से ऐसे पुश करना है और धीरे से इसको निकालना है। ऐसे आपको 6 से 7 पेटल्स रेडी करने हैं फ्लावर बनाने के लिए ठीक है। जैसा कि मैंने रेडी कर रखा है आप देख रहे हैं। ओके अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो देखिए मैंने कुछ पेटल्स रेडी कर लिए हैं। अब इसको हमको फोल्ड करना है, रोज बनाना है, इसका फ्लावर बनाना है। आपने इसको ऐसे धीरे धीरे फोल्ड करना है ठीक है। देन टेक अनदर पेटल्स, अगेन फोल्ड इट, तो देखा आपने। ये हमारा एक रोज रेडी हो गया। ऐसे ही हमको ढेर सारे फ्लावर्स रेडी कर लेने हैं जैसा कि मैंने रेडी कर रखा था पहले से। लुक एट दिस, एंड इसी तरह आपको इस तरीके की लीव्स भी रेडी करनी है ग्रीन रोज से ठीक है।
जैसे आपने रेड डो बनाना है कलर मिक्स करके मैदे में, वैसे ही आप ग्रीन डो भी बना के रख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी बना रखे हैं। नाउ इट्स टाइम टू डेकोरेट आवर पॉट। ओके, सी पॉट को डेकोरेट करने के लिए मैंने ये येलो डो लिया है। ठीक है, अब इसको हम मोल्ड करेंगे, इसकी क्वेलिंग बनाएंगे। ओके, नाउ इस डो को पेस्ट करने के लिए हमें अपने पॉट पर थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करना होगा। और इस क्ले को इस पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, we need some more clay. Look at this, मैंने इसको चारों तरफ से इसको पेस्ट कर दिया है इसके पॉट के टॉप पे। अब इस पे हम कुछ टेक्सचर ऐड करेंगे, लाइक कि मेरे पास ये पेन थी, इस पेन के टिप से हमको इसके ऊपर टेक्सचर देना है। सी, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपके पास पेंसिल है तो यू कैन यूज योर पेंसिल। आप इस पे स्टोन भी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास घर में अवेलेबल है तो। नाउ टेक दिस ग्रीन क्ले, इसको हमको ऐसे मोल्ड करना है, इसकी क्वेलिंग बनानी है। जैसा आप देख रहे हैं मैंने कुछ बनाकर रखी हुई है, इसके छोटे छोटे आपको क्वेलिंग रेडी करके रखनी है। When it is done, then see student, जब भी हमें क्ले को पॉट पे पेस्ट करना होता है तो सबसे पहले हमने ग्लू अप्लाई करना होता है जहाँ पे हमें क्ले पेस्ट करना होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा ग्लू लगाने के बाद ही आपने क्ले के फ्लावर्स और लीव्स को पेस्ट करना है, अदरवाइज आपके क्ले जब ड्राई होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो ये ड्राई होने के बाद निकले नहीं, इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि इस पर फेविकोल लगा के ही आप उस पर उसको पेस्ट करें क्ले को। ठीक, अब इस पे हमको ये अपना क्ले पेस्ट करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। Look at this guys, bushes are ready. ठीक है, now it's time to paste the flowers. जो हमारे पास flowers हैं उसको हम paste करेंगे। Flowers paste करने के लिए हमें glue apply करना है जहाँ पे भी हमें flowers को अपने paste करना है। Okay, so I'm going to paste this big one here. Are you able to see? And leaves also, जो हमने leaves बनाई थी।
सी। ऐसे हमको सारे फ्लावर्स को पॉट पे जो है पेस्ट करना है। देखिए ऐसे जितने भी आपने फ्लावर्स बनाए हैं उसको आपको पॉट पे पेस्ट करना है। लुक एट दिस गाइस, माय पॉट इज रेडी। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल ना। आई होप यू ट्राई। थैंक यू। बाय बाय।